Hello guys, my name is Rahul Saini. I am a race student at Chandigarh and now I am IBS clerk. Race में जब journey की मैं बात करता हूँ तो जुलाई 2017 में मेरी journey start हुई race में. 17 जुलाई 2017 को मेरा batch start हुआ था. तो starting में मैं इतना regular नहीं रहता था, लेकिन last year January से मैंने regular रहना start कर दिया race में. regular practice start कर दी. तो फिर अब की बार जनवरी में क्लरिकल का मेंस एग्जाम हुआ था, जो कि मैंने क्रैक किया और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है. तो और जहां तक कि मैं बात करूं मेंटर और फैकल्टी की रेस में, तो दोनों यहां पे बहुत अच्छी हैं. मेंटर भी अच्छे हैं, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जो ज्यादा अच्छी लगी वो मेंटर लगे. क्योंकि 3 घंटे की क्लास के बाद जो आपको 3 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं वो मेंटर ही कराते हैं. और इसके अलावा मैं चंडीगढ़ और इंस्टीट्यूट्स में भी गया हूँ, लेकिन वहां पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो जो कि हमको रेस प्रोवाइड करता है. यहाँ पर मेंटर जो आपको 3 घंटे प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी जीके की तैयारी कराएंगे, करंट अफेयर्स सब कुछ उसमें करा देते हैं, बैंकिंग की तैयारी कराते हैं. और जहां तक कि मैं बात करूं रेस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर रेस में आपको लैब और लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा आपको सोलो भी प्रोवाइड किया जाता है. अगर आपको अकेले पढ़ने का मन है या जो आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको सोलो में बैठ के पढ़ सकते हो. वहां पर एक कैबिन होगा आपका, आप सिर्फ उसमें अकेले ही बैठे होंगे. और रेस हमको बहुत तरह के प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है. जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो वहां पर आपकी सिर्फ बेसिक क्लासेस लगती हैं, लेकिन रेस के अंदर ऐसा नहीं है. रेस में जब आप बेसिक्स पूरे कर लेंगे तो आपको एक्सट्रीम बैच के अंदर भेजा जाता है, और उसके बाद सुपर बैच के अंदर भेजा जाता है, जहां पे आपको हाई लेवल क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि मेंस में आते हैं. वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के अंदर, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. और तो उससे आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा. मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जनवरी में, जहां मैंने बताया पहले भी आपको, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ज्यादा रेगुलर नहीं रहता था, तो उसके बाद मेरे रिजल्ट नहीं आए. तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जनवरी से 2018 से रेगुलर स्टार्ट किया और SBI पे फोकस किया. तो मैं SBI PO और क्लरिकल दोनों के मैंने मेंस दिए हैं, RRB PO क्लरिकल दोनों के मेंस दिए हैं, और ESIC SSO का मैंने मेंस दिया है जो कि मेरा नहीं हुआ. IBPS PO का भी मेंस नहीं हुआ, लेकिन फाइनली IBPS क्लरिकल मेंस मेरा हो चुका है और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अलॉट हुआ है. अपने जूनियर्स को या जो भी आगे प्रिपरेशन करेंगे, सबको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो रेस चंडीगढ़ में आए और यहाँ पर ज्वाइन करें और रेगुलर रहें. रेगुलर के 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी जॉब फाइनल हो जाएगी. थैंक यू.